फर्स्ट ईयर टेम्पर। बहुत बहुत बधाई हो दोनों को। कॉल आया तो मतलब आंख से आंसू नहीं रुके। इस मकान नहीं बनाया घर वालों ने कि बोले पढ़ा लेते हैं। कहाँ से हैं आप लोग? मनाहर के पास में गांव है, खंडा इधर के वहाँ से, लेकिन लोकल इंदौर में ही किराए से रहते हैं। अच्छा, मतलब इंदौर के ही हो गए हो? हाँ, मतलब पापा प्राइवेट जॉब करते हैं सेल्समैन है, और मम्मी सरस्वती स्कूल में एज ए स्टाफ। दोनों भाई हो? हाँ, ब्रदर हो? रियल ब्रदर? तुम बड़े हो? हाँ, मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है। चलो, बहुत बढ़िया। फर्स्ट अटेम्प्ट रहा दोनों का। अच्छा, और ऑनलाइन ही था हमारा। चेयर तो करते होंगे कभी कभी, पढ़ाई तो करते होंगे। कोई क्वेश्चन अगर मेरे को नहीं बनना तो मैं इससे पूछूंगा, अगर ये को नहीं इसको नहीं बनना है तो फिर मैं इससे पूछूंगा, ऐसा। अगर कोई अदर कोई क्वेश्चन सेंड करता तो फिर हम दोनों माइंड लड़ाते कि नीक कैसे सॉल्व होगा। अगर कोई शॉर्ट फॉर्मूला है तो फिर वो लगाते हम लोग। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दोनों का फाइनल सिलेक्शन हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट रहा। बहुत बहुत बधाई हो दोनों को सबसे पहले तो। हमारी अभी एज भी हमारी मेरी 24 ही अभी हुई और उसकी 23 है। अच्छा, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है अब? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। इसके पहले कोई और एग्जाम दिए थे? इसके पहले सर जीडी दिया था मैंने, एग्जाम निकला था, लेकिन मेरा सेंट्रल का उधर का नहीं है, इसलिए मैं गया नहीं। इधर कॉन्स्टेबल का था फुल फोकस। तो मतलब लगभग पहला एग्जाम जिसपे पूरी मेहनत करी होगी, फोकस किया होगा, यहीं से स्टार्ट किया था कांस्टेबल से ही। कांस्टेबल से मैंने फर्स्ट रैगेट कांस्टेबल रखा, सेकंड मेरी हाइट नहीं है तो मैंने पटवारी रखा, और इसने ऐसा ही रखा, इसकी हाइट है तो। बहुत बढ़िया। मम्मी पापा को भी लेके आना था यार, उन लोगों को भी। फाइनली हम जब वर्दी पहन के आ जाए तभी ऐसा कर लेंगे, कोई दिक्कत। मैंने बीएससी लिया था होलकर में सीएस ब्रांच से, तो उधर ही कॉलेज में टाइम चले जाता था पूरा स्टडी में, तो मैंने सोचा ऐसे तो कॉम्पिटेटिव की तैयारी नहीं कर पाएंगे, तो मैंने इसको मेरे साथ ही बीए दिला दिया, तो इसको साथ में मतलब ऑनलाइन कोर्स ले लिया। मैंने बोला अपन साथ में, घर पर कोई रहता नहीं है तो लेक्चर अगर ऑफलाइन ले तो क्लास छूट जाएगी हमारी, तो इसलिए हमने ऑनलाइन का किया। फिर ऑनलाइन के साथ में ये एक ही रूम में हम लोग बैठ के पढ़ते थे। छोटी वाली सिस्टर है, उसका नीट की प्रिपरेशन चल रहा था, तीनों भाई बहन घर पे रहते, मम्मी पापा जॉब करने जाते। और मम्मी पापा को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा होगा उनको, मतलब हर कॉल आया तो मतलब आंख से आंसू नहीं रुके। क्या होता है, पापा मम्मी इन लोगों ने जो संघर्ष किया है ना, या वो आज जहाँ पहुँचे हैं, उन्हें कितने साल लगे वहाँ पहुँचने में, है ना, और एक परिवार चलाना, और अगर कम उम्र में ही अगर बच्चे जॉब ले लेते हैं तो उनको उस चीज़ का महत्व पता है ना, तो वो समझ सकते हैं कि एक जॉब का मिलना या एक अच्छे सेटल होने का क्या फ़ायदा है, कितना महत्व है। जी सर, वो पापा की सैलरी, जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था तब मेरी फीस इतनी ज़्यादा थी कि पापा की सैलरी कम थी, तो उन्होंने एक जहाँ पे हम लोग किराना सामान खरीदते हैं वहाँ से उधार लिया और फिर मेरी फीस दी। अब उन लोगों को लौटाने का समय आ गया है। शुरू से मतलब मकान नहीं बनाया घर वालों ने कि बोले पढ़ा लेते हैं, सही है, बोले मकान तो क्या है, इसे जॉब लग जाएगी तो एक साल में खड़ा हो जाएगा, बोले इनकी लाइफ बन जाएगी तो अच्छा रहेगा। पापा तो कीपैड वाला चला रहे थे अभी तक, मतलब अच्छा मोबाइल ले नहीं रहे थे, इस राखी मैंने फिर बिना पूछे 2000 इसने कॉन्ट्रीब्यूट स्कॉलरशिप से दिए, 2000 मैंने दिए, 2000 उनसे लिए, फिर 2000 मम्मी से लिए, ऐसे करके फिर बिना पूछे मोबाइल ऑर्डर कर स्मार्टफोन दिया उनको, उनके ऑफिस में मतलब सबसे सीनियर से वो पापा ही हैं, लेकिन सबसे छोटा मोबाइल है, बोले क्या कराएंगे, बोले बच्चों के पास है, अपने को कोई काम नहीं, फोन आ जाता, बात हो जाती है। मम्मी पापा लोगों का यही रहता है, वो मतलब सोचते हैं हमारा तो सब सही चल रहा है, तुम तो तुम्हारा देख लो। उनका ऐसा ही, बोले तुम अपने पैर पे खड़े हो जाओ बस, हमको बोले तुम खाना वाना में बस अपने पैर पे खड़े हो जाओ बस, हमारा सपना यही है। और मैं तो इधर से 2018 से जुड़ा। अच्छा, पर जो ऑफलाइन की फीस है ना वो पेएबल नहीं थी। तो YouTube से पढ़ते थे पहले, है ना, क्योंकि 2018 में तो YouTube ही था बस, और ऑफलाइन क्लास चलती थी, नया नया वो आपका बोर्ड नए नए आए थे, क्रेज भी नहीं था ऑनलाइन का। हाँ, फिर 20-22 में लॉकडाउन लगा, उसके बाद इसमें फिर जैसे अपन ने कांस्टेबल एसआई का कोर्स लिया था अक्टूबर में, और नवंबर में कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ गया था। हमारा स्टडी हमने स्टार्ट ही की थी और वो पोस्टपोन पे पोस्टपोन कर रहा था, तो हमारी स्टडी और मजबूत होते जा रही थी, मजबूत हो रही थी। मतलब मैं दोस्तों को यही बोलता हूँ कि मैंने मात्र 1900 रुपये आदित्य सर के कोर्स लिया और 20-25 हज़ार की जॉब ले ली। मैंने ऐसा सोचा है कि मतलब मैं पटवारी में सिलेक्ट हो जाऊँ, फिर 5 साल के बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम निकलती नायब तहसीलदार की, अभी भी 62 पर उन्होंने निकाले हैं, तो उधर 5 साल जॉब कर लो, जब तक इतनी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ऊपर हो जाएगी, और मैं एज अ 200 नंबर का पेपर वो क्रैक करके एज अ अधिकारी सिलेक्ट हो जाऊंगा। हाँ, बिल्कुल। तो ये मैंने थोड़ा शॉर्ट कट नहीं, एसएससी सीजीएल भी टारगेट कर सकते हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। एसएससी सीजीएल में क्या है, इनकम टैक्स हुआ, एक्साइज हुआ, इनका मजा ही अलग है।
वो तो एक ऑप्शन है कि अपन पटवारी मतलब पटवारी बन जाए, ऐसा ही बन जाए, एसएससी सीजीएल कर लें। इन तीनों में अगर कोई बेटर है तो सबसे ऊपर मैं रखूंगा सीजीएल को, उसका मजा ही अलग है। और एसएससी की तैयारी करने से फायदा क्या है कि उससे ये सब एग्जाम की तैयारी अपने आप हो जाएगी। अगर आप एसएससी लेवल का पढ़ोगे तो आपको पटवारी के लिए एसआई के लिए कुछ फंडिंग जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका लेवल एसएससी का ऑलरेडी हाई है, तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ है। अभी तो एज तुम्हारी बहुत ज्यादा भी नहीं हुई है, ट्राई बिल्कुल करते रहो दोनों। अगली बार आएंगे सर, मम्मी बिल्कुल बिल्कुल 100% टाइम निकाला उसके लिए। अरे सर कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया आगे और बढ़ो। जी सर, अभी इस नौकरी को ज्वाइन करो, इसके बाद फिर आगे और लाइन लगाओ। जी सर, अभी कंटिन्यूटी अभी 5 साल कंटिन्यूटी बिल्कुल रखो, बिल्कुल बिल्कुल। अभी अच्छा अभी मौका है किसी मुकाम पे पहुंचने का, फिर तो उसी में आगे बढ़ना है। तो अभी जितनी अच्छी ऊपर ऊंचाई पे जा सकते हैं पहुंच जाओ। मेरा नंबर है तुम लोग के पास पर्सनल वाला? कौन सा वाला? नहीं, एक दूसरा नंबर और ले लो, वो केवल व्हाट्सएप है, बाकी जो मोबाइल मेरे पास हमेशा रहता है वो नंबर तुम लोग नोट कर लो। इस पे मुझे एक बार व्हाट्सएप कर देना, तुम्हारा नाम भेज देना, सेव कर लूंगा मैं। कोई भी आगे तुमको कोई सपोर्ट लगे, कोई मदद चाहिए, कुछ भी गाइडेंस चाहिए, तो इस पे मुझसे बात कर लिया करना, है ना।